बलरामपुर जिले के राजपुर में स्थित मां पूर्णिमा पार्क अब केवल एक शोपीस बनकर रह गया है। पार्क के चारों ओर केवल झाड़ियां और हरी भरी घास नजर आ रही है। जिम्मेदार अधिकारियों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व सामरी के पूर्व विधायक और वर्तमान में सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज ने इस पार्क का लोकार्पण किया था, लेकिन आज की स्थिति में पार्क का गेट हमेशा बंद रहता है और उस पर ताला लटकता रहता है। राजपुर वासियों को उम्मीद थी कि यह पार्क उनके जीवन में उमंग और उत्साह लेकर आएगा, लेकिन अब यह सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। मां पूर्णिमा पार्क में खड़ा हूं। लगभग डेढ़ साल पहले हमारे पूर्व विधायक संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, जो पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, आज वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और उनके द्वारा लोकार्पण लगभग डेढ़ वर्ष पहले किया गया था। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली थी मां पूर्णिमा पार्क, जिनका लोकार्पण जो है माननीय चिंतामणि महाराज द्वारा किया गया। जिस प्रकार से मां पूर्णिमा पार्क का लोकार्पण किया गया था, उस प्रकार से यहां पे मां पूर्णिमा पार्क दिखती ही नहीं है, क्योंकि यहां पे लाखों रुपए की भी लागत नहीं लग पाई। चारों तरफ घास में तब्दील हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहता हूं कि देखिए इस प्रकार किस प्रकार से यहाँ पे जो है घास में तब्दील हो चुकी है। शासन प्रशासन का इस पे कोई ध्यान नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सामने में गेट है वह एनी टाइम ताला लग के रहता है, क्योंकि हम लोग गेट के अंदर हैं। अभी मैं आपको बाहर ले चलूंगा, बाहर ताला एनी टाइम लग के रहता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे झूला का भी व्यवस्था किया गया है, लेकिन यहाँ पे झूला तक नहीं लगा है। झूला मात्र 100 पीस बन के वहाँ पे किताबों पर पड़ा हुआ है। मैं शासन प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे हमारा मां पूर्णिमा पार्क का माननीय संसदीय सचिव, जो अभी वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, उनके द्वारा लोकार्पण किया गया था, लेकिन वह लोकार्पण टाइप का दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ घास से लोगों को एक उम्मीद था कि यहाँ पे कई प्रकार का झूला, कई प्रकार का देखने लायक होगा, लेकिन वह लोगों के मन में सपना का सपना रह गया। मैं अपने साधना न्यूज के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को यह बताना चाहता हूँ कि मां पूर्णिमा पार्क को जल्द से जल्द कार्य चालू करवाएं।